हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूँ अच्छे और सुरक्षित होंगे। फ्रेंड्स, मैं आपका दोस्त और होस्ट शमशाद फिर से हाजिर हूँ एक और नए कमाल के इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ में। फ्रेंड्स, आप लोगों के बहुत सारे कमेंट्स आ रहे थे इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक के बीसी पॉइंट को लेकर के कि सर, जितने भी लोगों ने अभी तक इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक के बीसी पॉइंट के लिए आवेदन किया था, उनका कोई भी स्टेटस अभी तक पता नहीं चल रहा है। या अगर कोई व्यक्ति इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक के बीसी पॉइंट के आवेदन के लिए जा रहा है तो उन्हें यही कहा जा रहा है कि इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक का बीसी पॉइंट का जो डेट था वो खत्म हो चुका है, अब किसी को भी इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक के तरफ से बीसी पॉइंट प्रोवाइड नहीं किया जाएगा। तो फ्रेंड्स, मैं आपको बता दूं, ये बिल्कुल फेक न्यूज है। इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक की तरफ से ऐसा कोई भी नोटिफिकेशन नहीं इशू किया गया है जिसमें ये कहा गया हो कि इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक का बीसी पॉइंट का आवेदन का जो डेट है वो खत्म हो चुका है। तो फ्रेंड्स, जिन लोगों को भी इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक का बीसी पॉइंट चाहिए या जिन लोगों ने अप्लाई किया है उसका स्टेटस जानना है, वो अपना स्टेटस कैसे जान सकते हैं, तो उसके लिए फ्रेंड्स इस वीडियो को पूरा एंड तक जरूर देखिएगा। और हमेशा की तरह आपसे ही निवेदन है कि अगर आप हमारे इस चैनल में नए हैं तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूले। तो चलिए फ्रेंड्स, शुरू करते हैं। फ्रेंड्स, वीडियो में आगे बढ़ने के पहले मैं आपको एक चीज बता दूं कि इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक का बीसी पॉइंट क्या है और इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक के बीसी पॉइंट के आवेदन आप किस तरह से कर सकते हैं, आपको इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक के बीसी पॉइंट के लिए किन किन डॉक्यूमेंट्स को सबमिट करना है और आपको इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक के किस ब्रांच में जाकर के इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक के आवेदन करना है, इन सारी डिटेल से रिलेटेड हमने कई सारे वीडियोस बना रखे हैं। आप हमारे इस यूट्यूब चैनल में आकर के उन वीडियोस को देख सकते हैं और मैं उस वीडियो का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दे दूंगा और आप आई बटन पे क्लिक करके भी हमारे उन वीडियोस को देख करके इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक के बीसी पॉइंट की जानकारी हासिल कर सकते हैं। फ्रेंड्स, अब हम आते हैं इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक की ऑफिशियल साइट पे। फ्रेंड्स, आपको मैं फिर से वही नोटिस पे लेकर के आया हूँ जो हमें आज से कुछ महीनों पहले दिया गया था। फ्रेंड्स, मैं आपको बता दूं कि यहाँ पे कहीं पे भी डेट मेंशन नहीं किया गया है कि इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक का बीसी पॉइंट का जो डेट है वो एंड हो चुका है। फ्रेंड्स, अभी जनवरी 2022 चल रहा है, आप अभी के टाइम पे भी जा करके इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक के बीसी पॉइंट के आवेदन कर सकते हैं। जी हाँ फ्रेंड्स, ये बिल्कुल सच है, आप इस मंथ में भी जाकर के इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक के बीसी पॉइंट के आवेदन कर सकते हैं। इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक का कोई भी बीसी पॉइंट प्रोवाइड नहीं किया जा रहा है या उसका डेट जो है वो खत्म हो चुका है, तो उस सिचुएशन पे क्या करना है, इससे रिलेटेड मैंने ऑलरेडी इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक के एग्जीक्यूटिव से भी बातचीत की है। आप पहले उनको सुने, उसके बाद अगर आपके साथ में ऐसा होता है तो आपको वही करना है जो इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक के एग्जीक्यूटिव कह रहे हैं। इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक में आपका स्वागत है, मैं सौरभ आपकी किस प्रकार सहायता कर सकता हूँ? सर, एक्चुअली मैं मुझे इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक का बीसी पॉइंट जो होता है ना आपका, उससे रिलेटेड जानकारी चाहिए था। बिजनेस कॉरेस्पोंडेंट जो इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक जो अभी प्रोवाइड कर रही है उसके बारे में मुझे जानकारी चाहिए थी। जी निश्चिंत रहिए, आपकी पूरी सहायता की जाएगी। जैसे कि मैं सच कहूं, आपको कस्टमर सर्विस मैन चाहिए। जी जी जी, इस विषय की जानकारी के लिए क्या मैं पूरा नाम जान सकता हूँ? मेरा नाम सर ये शमशाद है और मैं वेस्ट बंगाल कोलकाता से बात कर रहा हूँ। जी, नाम बताने के लिए धन्यवाद। आपको बताना चाहूंगा इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक कस्टमर सर्विस पॉइंट प्रोवाइड कर रही है, उसकी पूरी जानकारी जानने के लिए आपसे निवेदन होगा। कृपया आप इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक की ऑफिशियल वेबसाइट पे विजिट कर लीजिए सर, वहाँ पे इसकी पूरी जानकारी प्राप्त हो जाएगी। वहाँ से मैंने आपका जो ये फॉर्म है ना बीसी पॉइंट का, बिजनेस कॉरेस्पॉन्डेंट का, उसे मैंने प्रिंट आउट कर लिया है। बट यहाँ पे हम लोगों को ये कहा जा रहा है ना कि इसका जो लास्ट डेट जो था वो 31 दिसंबर था, जबकि आपके वेबसाइट पे ऐसा कोई भी डेट यहाँ पे मेंशन नहीं किया हुआ है। क्या आप उन्हीं ब्रांच में गए थे जो आपके वेबसाइट पे? जी सर, जो हमारा जो मतलब कि मेरे स्टेट में पड़ रहा, डिस्ट्रिक्ट में पड़ रहा, मैं उसी ब्रांच में मैं गया हूँ, हेड पोस्ट ऑफिस में। जी सर, जी सर जी, अगर ऐसा बताया जा रहा है तो आप उसके लिए ईमेल कर सकते हैं। हमारी जो मेल आईडी होती है वो आप नोट कर लीजिए सर, वहाँ पे ईमेल कर सकते हैं सर। अभी तक कोई पॉइंट नहीं आया। कॉन्टैक्ट एट द रेट IPPB इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक IPPB online.in online.in। जी सर, ये मेल आईडी इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक की ऑफिशियल साइट से दिया जा रहा है, लेकिन जब हम लोग ब्रांच में विजिट कर रहे हैं तो ब्रांच वाले बोल रहे कि ऐसा कोई नोटिफिकेशन नहीं है, या फिर इस तरह से बोल रहे कि नहीं नहीं इसका डेट जो है वो एक्सपायर हो चुका, अभी आपको नहीं मिलेगा। आप चाहेंगे ऐसा बताया जा रहा है तो आप उनके लिए ईमेल कर सकते हैं। आप बताइएगा, उसमें पूरे ईमेल में लिखिएगा कि मैं इस ब्रांच में गया था, यहाँ पे ऐसा ऐसा बताया गया है। जी, क्योंकि आपका रिक्वायरमेंट है ना सर, के पैन कार्ड या फिर ट्रेड लाइसेंस वगैरह या शॉप वगैरह होना चाहिए, वो सारा चीज अवेलेबल है,
उसके बाद में भी ये सारा चीज तो एक्चुअल में नहीं होना चाहिए ना सर। ये माफी चाहिए इसके लिए, आप ईमेल कर दीजिए, आपको 24 से 48 घंटे में इसका रिवर्ट मिल जाएगा सर। अच्छा, एक और फाइनल चीज पूछना था सर, इसका तो मतलब कि कोई मतलब ये लास्ट डेट बोल कर देखिए तो कुछ नहीं है ना इसमें कि लास्ट डेट ये है? अभी हमारे पास ये लास्ट डेट की जानकारी नहीं आई है, हमारे पास जो इन्फॉर्मेशन है जी सर अभी भी कस्टमर सर्विस पॉइंट प्रोवाइड की जा रही है सर। जी सर, ओके, थैंक यू सो मच सर, यही चीज मुझे आपसे कंफर्म करना था। तो फ्रेंड्स, जैसा कि आपने सुना कि अगर कोई भी व्यक्ति इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक का आपसे ये कह रहा है कि उसका डेट खत्म हो चुका है या इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक का बीसी पॉइंट का आवेदन अभी नहीं हो रहा है, ऐसा कोई भी आपको इन्फॉर्मेशन दिया जा रहा है, आपको उस मेल आईडी पे उस ब्रांच का नेम लिखना है, उस ब्रांच का मैनेजर का नाम लिखना है और इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक के ऑफिशियल जो मेल आईडी है उस पे मेल कर देना है। उसके बाद आपको फ्रेंड्स 24 से 48 आवर्स के अंदर में आपको उसकी पूरी डिटेल्स या जानकारी दे दी जाएगी। तो फ्रेंड्स, ये वीडियो यहीं तक के लिए था, होप कि आपको ये वीडियो भी काफ़ी ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव लगी हो। तो फ्रेंड्स, वीडियो को लाइक और अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ में शेयर करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। मिलते हैं फ्रेंड्स अपने अगली वीडियो पे, तब तक के लिए सुरक्षित रहे और एक दूसरे की मदद करते रहे। जय हिंद दोस्तों।